ए बात पा रूप की बेटी की एक एक आह इस जमाने को कहा जाएगी, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है। तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ए बात पारूप के बेटे को इस रियासत ने कत्ल किया है, और यही रियासत उसका कातिल है। उसका गुना सिर्फ इतना था कि उसका बाप पीटीए का टिकट होल्डर था, और वो बच्चा जाते जाते 25 करोड़ मुर्दों को सबक देकर चला गया कि बुज़दिल को कभी अपना तकदीर नहीं बदल सकते, और जुल्म पर खामोशी मोमिन की निशानी नहीं है। हम जानवरों की तरह जुल्म तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। ए बात फारूक का बच्चा कोई हिंदुस्तानी बच्चा नहीं था, जिसको हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे थे। वो पाकिस्तानी था, लेकिन उसका वालिद इस बुजीदा निजाम से बगावत पर उतरे थे। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। पाकिस्तानियों कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे? बांग्लादेश में 5 गुंडों ने एक लड़की की इज्जत लूटी थी। जज ने सबको फांसी सुनाते वक्त कहने लगा, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। इतना गिर चुका है हमारा अदलिया, इतना गिर चुका है ये कानून कि बाहर मुल्कों में इसकी मिसालें दी जाती है। और याद रखना, ए बात फारूक की बेटी की एक एक आह इस जमाने को कहा जाएगी, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, अर्श हिल जाता है। हम 25 करोड़ अवाम उस बच्चे के कातिल है। हमारी ये कैद जुबान उसकी मौत की सबब है, हमारी ये खामोशी इस मुल्क की बर्बादी का सबब है। लेकिन तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जियो मरो और सड़ते रहो। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे।